हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन इज ए सेपरेशन प्रोसेस दैट कंसिस्ट इन डिस्टिलेशन वाटर टुगेदर विद द अदर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो जो स्टीम डिस्टिलेशन है एक सेपरेशन प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है डिस्टिलेशन करता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कॉम्पोनेंट के साथ। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल, ए मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड बिगेंस टू बॉइल व्हेन सम ऑफ देयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। प्रिंसिपल कह रहा है जो इमिसिबल लिक्विड होगा बॉइल कब करेगा, जब वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर। इट इज हैपेंड बिकॉज स्टीम हैज ऑल्सो सम बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर विच मिक्स द प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड रीच इज टू एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड लिक्विड कन्वर्ट इन टू वेपर्स। तो इसमें क्या हो रहा है, जो स्टीम्स है, ठीक है, जो स्टीम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, उसका भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा और जो वेपर प्रेशर है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का उसका भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। जिन दोनों मिला के क्या, मतलब जो एटमोस्फेयरिक प्रेशर है उसके बराबर हो जाएंगे, देन क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्टीम कैन ले रहे हैं, इसमें इसके अंदर कौन सा सोल्यूशन है, वाटर का सोल्यूशन है, और यहाँ से हमने दो बर्नर लगा दिए हैं। दोनों जो ट्यूब है क्या कर रही है, प्रेशर मेंटेन कर रही है। कैसे कर रही है, ये नीचे से हमने बर्नर लगाया है, हीट प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, ये जो लिक्विड है इसको वेपर में एक्सचेंज कर देगा। तो एक टाइम क्या आएगा, तो जो लिक्विड है यहाँ तक आ जाएगा, तो इसके थ्रू क्या होगा, जो वेपर से बाहर निकलेंगे तो हमें पता चलेगा जो इसके अंदर का जो लिक्विड है वो खत्म हो गया है। तो जो ये ट्यूब है देन यहाँ से जाएगी, देन यहाँ भी इसके अंदर हमने डिप करवा दिया है, इसके अंदर कौन सा सोल्यूशन है, इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड का सोल्यूशन है। देन जो इसका ट्यूब है कंडेंसर के थ्रू रिसीवर में जाएगा, देन रिसीवर में कौन सा सोल्यूशन मिल जाएगा, प्योर ऑर्गेनिक का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जिसका जो थ्योरी का पार्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट है इसकी वर्किंग। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, स्टीम कैन लिया है, इसके अंदर हमने वाटर का सोल्यूशन रखा है, देन यहाँ में हमने ट्यूब लगाया है, ये क्या करता है, प्रेशर मेंटेन रखता है। वो कैसे करेगा, जैसे यहाँ से हमने बर्नर लगाया है तो ये हीट प्रोवाइड करेगा, देन ये जो वाटर है उसको वेपर में एक्सचेंज करेगा। देन एक पॉइंट ऐसा आएगा जो ये जो लिक्विड है वे इस पॉइंट पे आ जाएगा, देन यहाँ से क्या होगा, वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा इसके अंदर जो लिक्विड है वो खत्म होने वाला है। देन जो जो वेपर प्रोड्यूस करेगा ये ट्यूब के थ्रू इसके अंदर जाएगा, और यहाँ से भी ये जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका हीट जब एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, देन जो ये भी है इसका वेपर है, देन ये ट्यूब के थ्रू कंडेंसर में जाएगा। तो कंडेंसर क्या करेगा, जो वेपर को है लिक्विड में एक्सचेंज कर देगा, यानी वेपर है जो लिक्विड में एक्सचेंज होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें जो लिक्विड और वाटर का सोल्यूशन मिल जाएगा, और जो लो डेंसिटी वाला होगा वो सरफेस पे आ जाएगा, और जो हाई डेंसिटी वाला होगा वो नीचे रह जाएगा। तो हमें यहाँ पर प्योर ऑर्गेनिक का सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसकी यूजेस, यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड। तो हम इसका यूज कब कर सकते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। तो जैसे जो इमिसिबल लिक्विड है कौन कौन से हो सकते हैं, वाटर प्लस टोलिन का, वाटर प्लस एलिनिन का। टू एक्सट्रैक्ट वोलेटाइल्स ऑयल लाइक क्लोव एंड यूकोलिपस ऑयल्स। तो हम इसका एक्सट्रैक्ट करते हैं वोलेटाइल्स ऑयल्स का लाइक क्लोव और यूकोलिपस ऑयल्स में। प्योरीफिकेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स लाइक एलमोंड ऑयल्स एंड ऑल्सो फॉर सम ऑर्गेनिक लिक्विड। तो हम इसका एसेंशियल ऑयल प्योरीफिकेशन करते हैं ऑयल्स का लाइक जैसे एलमोंड ऑयल्स में और सम ऑर्गेनिक लिक्विड में। ऑन प्रिपरेशन फॉर एरोमेटिक्स वाटर, तो हम एरोमेटिक्स वाटर का प्रिपरेशन करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल इफ टू मिसिबल लिक्विड रिएक्ट विद ईच अदर। तो ये सुटेबल नहीं है, कोई दो इमिसिबल लिक्विड है आपस में रिएक्ट कर सकते हैं।